हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमाग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्यारामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की
कहानी दमदार है, जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्यारामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की, तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक
कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है, जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं। बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 5.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी, जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था, शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा
एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वू फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है, जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं। बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी, एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी, जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था, शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था।
यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो हिंदू के संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था,
शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में,
मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोया पति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों को के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में,
स्नेहा कोनेडेला, गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमाग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या देजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है।
जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनिडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनिडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण रामयुवा कोनिडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा एडवानी कोनिडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनिडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो हिंदू के संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क यदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करती इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु
ने लिखा और निर्देशित किया है और डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों को के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में
यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण रामयुवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमाग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्यारामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्यारामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और
फिर संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की, तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्यारामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा,
विनय विद्यारामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज़ की, तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज़ हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था, शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए. विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्यारामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की कहानी
दमदार है, जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्यारामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की, तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी, जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमाग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक
कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है, जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं। बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी, एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था, शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक
अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या दे जाऊ फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था, शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था।
यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या देजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं। बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी, एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था,
शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में,
मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या देजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में,
स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों को के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वू फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है।
जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनिडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनिडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण रामयुवा कोनिडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा एडवानी कोनिडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनिडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमाग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वु फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु
ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण रामयुवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में
यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी, जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्यारामा के साथ समस्या डेजा वू फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क यदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्यारामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन
संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज़ की, तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज़ हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमाग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्यारामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्यारामा
टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की, तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्यारामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल
एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क यदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्यारामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्याराम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की, तो विनय विद्याराम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्याराम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए. विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए, यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं।
विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है, जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं। बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी, जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है।
खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है, जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है, तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की, तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की, तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन की, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था। शुरुआती सिनेमोग्राफी थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु
1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या डेजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं बोयमती श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों गानों नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते हैं इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है और DVV दानिया ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रामचरण, प्रशांत, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म कोनेडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्सेल युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को खत्म करने के लिए निकलता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मारा जाता है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की तो रामचरण कोनेडेला राम के रूप में, प्रशांत कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, मास्टर चरण राम युवा कोनेडेला भुवन कुमार के रूप में, विवेक ओबेरॉय राजा भाई मुन्ना के रूप में, कियारा आडवाणी कोनेडेला सीता पापा राम की पत्नी के रूप में, स्नेहा कोनेडेला गायत्री देवी भुवन की पत्नी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में, आर्यन राजेश शेखर के रूप में राम के दूसरे भाई, मधुमिता शेखर की पत्नी और राम की दूसरी भाभी के रूप में, रवि वर्मा राजू के रूप में राम के तीसरे भाई, हिमाशा राजू की पत्नी और राम की तीसरी भाभी के रूप में, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में, प्रवीणा शैलजा के रूप में राम के चौथे भाई की पत्नी और राम की चौथी साली के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने बोयापति श्रीनु के साथ सरोनोडू और जया जानकी नायिका पर काम किया था, शुरुआती सिनेमोग्राफी थे
शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर निकलने से पहले उन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नतीजन आर्थर ए. विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्हा और दम्मू के बाद यह बोयापति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। यह फिल्म थोली मुत्तु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी का भी प्रतीक है। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने लिखा, विनय विधेया रामा एक अनूठा फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, खासकर महत्वाकांक्षी पटकथा लेखकों और दर्शकों के लिए यह जानने के लिए कि फिल्म कैसे नहीं लिखी या बनाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन गए हैं। विनय विद्या रामा के साथ समस्या देजा वो फैक्टर नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रताओं को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की कहानी दमदार है जिसे एक मनोरंजक कमर्शियल एक्शन फिल्म्स में बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयामति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं बनाई थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क आदि अन्य को चुनौती देती है। इंडियन एक्सप्रेस के 5 में से 1 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या रामा स्टेरॉयल पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और अविश्वसनीय पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, अगर कोई प्लॉट और कहानी है जो ध्यान देने लायक है तो वह सभी झगड़ों, गानों, नृत्य और बेहतरीन संवादों के बीच खो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म खुद ही पुरानी लगती है, यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रामचरण भी सभी अजीबोगरीब स्टंट के साथ बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, विनय विद्या राम की दुनिया में यथार्थवाद का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात करते इसके रिलीज की तो विनय विद्या राम 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। बात करें होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।